एक बार एक बस्ती को समाज विरोधी लोगों ने आग लगा दिया। जैसे आग भड़क उठी वैसे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, औरतें बच्चों को लेके बाहर निकल रही, भाग रही थी। कुछ लोग अपना अपना सामान निकाल रहे थे, जितना सामान निकाल सकते उतना निकाल रहे थे। चिल्ला पुकार काफ़ी हो रहा था। कुछ लोग गांव के पास में एक तालाब था, वहां बकेट लेकर गए और वहां से बकेट बकेट भर भर के पानी लाके आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ लोग आग बुझा रहे थे, कुछ लोग बाहर भाग रहे थे, कुछ लोग सामान निकाल रहे थे, हाहाकार मच गया था। तो जैसे ही आग लग गई तो वहाँ एक गांव में पेड़ था, उसके ऊपर एक कौवा और एक चिड़िया रहते थे। जैसे आग लग गई तो कौवा बोले कि चलो आग लग गई है, हमने यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा बोल के वो उड़ान भर के निकल गया। चिड़िया ने क्या किया कि वहाँ वो भी तालाब, वो जब उसने देखा कि लोग पानी भर भर के ला रहे हैं, चिड़िया भी तालाब के पास में गई, अपने चोंच में पानी भर दिया और आग के ऊपर डाल दी गई। चोंच में जितना एक बूंद दो बूंद जितना भी पानी माता था वो पानी उठाकर वो आग के ऊपर डालते थे। जब कौवे ने देखा कि अरे चिड़िया तो आई नहीं अपने साथ में, तो उसको ढूंढते ढूंढते वो वापस वो बस्ती तक वापस आया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि चिड़िया तालाब के पास में अपने चोंच में पानी लेके वो बस्ती पे डाल रही है और आग बुझाने की कोशिश कर रही है। वो कौवे ने चिड़िया को पूछा, तो ये क्या कर रही है? बोले, मैं आग बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर तो क्यों कर रही है ये? बोले, देखो सालों से अपन ये पेड़ के ऊपर रह रहे हैं, ये गांव का दाना खाया, पानी पिया, तो जब गांव को आग लग गई है तो हमने हमारे तरफ से कोशिश करनी चाहिए। जब लोग दौड़ रहे हैं आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने भी तरफ से कुछ ना कुछ होना चाहिए। कौवा बोला कि अरे भाई, तू ऐसा कर रही है, तेरे चोंच में जितना पानी आता है ना उसे कुछ नहीं होने वाला, तू वहाँ जाएगी और आग का एक भड़का भी उड़ गया है ना तो उसमें तू जल के खाक हो जाएगी। यहाँ एक मुझे कविता आती है एक कवि की, मैं वो आपको बताता हूँ, पता नहीं किसने लिखी है। वो कौवा बोलता है कि ए बहन, तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोलने की कोशिश कर रही है। सुई की नोक से समस्या का ताला खोलने की कोशिश कर रही है और पत्ते के बाट से पहाड़ उठाने की कोशिश कर रही है। पत्ते के बाट से पहाड़ उठाने की कोशिश कर रही है। तेरे चोंच में जितना पानी माएगा उससे तो आग का एक शोला भी बुझ न पाएगा। तेरे चोंच में जितना पानी माएगा उससे तो आग का एक शोला भी बुझ न पाएगा। जब चिड़िया ने यह सुना तो बोले, भाई मैं तेरा कहना मानती हूँ, मैं तेरा कहना मानती हूँ और अपनी चोंच की और मेरी क्षमता भी पहचानती हूँ, मेरी क्षमता भी मैं पहचानती हूँ, मगर केवल इतना ही जानती हूँ कि जब ये घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आप क्या सोचते हो उसके ऊपर सब है, आपकी सोच क्या है। लोग आपके आजू बाजू के बहुत बड़ी समस्या में फंसे होंगे, हमको लगता है कि मैं इनके पे बोलूँ मेरे से क्या होने वाला है, मैं इतना करूँ तो क्या होगा, जो भी अपने तरफ से होता है, फूल ने फूल की पंखुड़ी ऐसा बोलते हैं ना, तो जो भी अपने तरफ से होता है उतना अपन ने करना चाहिए, क्योंकि वो समस्या हमारे ऊपर भी आ सकती है और तब हमको भी लोग टाल देंगे। हम रिश्ते में हैं, हम लोगों के जंगल में रह रहे हैं, एक दूसरे को मदद करना ये हमारा धर्म है, जो भी समस्या में है। तो और अपनी तरफ से जितना भी मन से करेंगे ना, मन से, तो डेफिनेटली उसका फायदा होने वाला है। ऐसा बोलते हैं कि मन से रोया जाए तो फूटी आंखों से भी आंसू निकल सकते हैं। तो मन से कोई भी काम करो, लोगों को जो तकलीफ है, समस्या है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, लोगों को सपोर्ट करो, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आपको 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा, मगर 1000 गुना ज़्यादा मिलने के लिए कुछ ना कुछ पहले देना पड़ता है। तो देना पहले है और लेना बाद में है। हम सोचते हैं कि नहीं मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, तो देना चालू करो, आपको लेना बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।